पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर का खात्मा। एफआईए के बाद पीआईए का भी एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल खत्म करने का ऐलान। पीआईए के लिए तमाम मुसाफिर बराबर हैं, किसी को अलग प्रोटोकॉल ना दिया जाए। हुक्मनामा जारी। ओगरा ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। एलपीजी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत 132 रुपए से बढ़ाकर 137 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1564 रुपए से बढ़कर 1613 रुपए हो गई। सूबे भर में 343 इमारात इंतहाई हसास करार। मुहर्रम में 37,414 मजालिस मुनाकिद होंगी। 10,000 जलूस निकाले जाएंगे। मजालिस और जलूसों को 4 दर्जाती सिक्योरिटी दी जाएगी। पंजाब काबीना ने मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी दे दी। गुज़श्ता 10 वर्षों में बल्दियाती निज़ाम को दानिस्ता मफलूज रखा गया। नए पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम ही तरक्याती कामों की आसास होगा। पंजाब में केपीके से भी बेहतर लोकल बॉडी सिस्टम लाएंगे। नए निजाम में इख्तियारात के साथ सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का महकमा बल्दियात के इजलास से खिताब। हमें दिवालिया मईशत मिली जिसे बेहतर करना है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की तरह सरकारी स्कूलों का माया बेहतर करेंगे। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस मसले को फौरी हल करेंगे। हमारा मकसद तालीम को फरोग देना और शोबे में बेहतरी लाना है। वजीर तालीम शफकत महमूद की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दौरा पर मीडिया से गुफ्तगू। फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। पाकिस्तान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। बत्तियां जलने से भी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए हमें कुरान पाक से रहनुमाई लेनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीली बारे कुरान पाक में 6,000 के करीब आयात हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का लाहौर हाई कोर्ट बाद में एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मिलावट माफिया की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। जाली अशिया कोरोनो साबित होने पर लाइसेंस कैंसिल, मुकदमा दर्ज करवाया जाए। मजाहमत की सूरत में पुलिस की मदद से मिलावट माफिया को जेल भिजवाया जाए। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ऑपरेशन टीम को हिदायत जारी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। शहरी कलमा तैयबा का वर्द करते घरों से बाहर निकल आए। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा बैनुल अक्वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का आगाज। 300 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स। सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल ने इफ्तिताह किया। बोले पंजाब में तबाहत सनतों को बहाल किया जाएगा। सनत के फरोग के लिए टेक्निकल एजुकेशन पर भी काम जारी। वासा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वासा इंतजामिया का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का फैसला। डायरेक्टर एडमिन वासा ने तमाम डायरेक्टर से कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी। नासुक भी किसी से कम नहीं। ग्रिफिन इंटर क्लब में जिमनास्टिक चैंपियनशिप का फाइनल। 125 मर्द खवातीन खिलाड़ियों में शानदार मुकाबले। ग्रिफिन क्लब ने पहली, लका स्कूल ने दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली।